निर्मला जी ने जो बजट पेश किया है, बाय एंड लार्ज हम देखें, पॉलिटिकल एंगल अगर हम छोड़ दें, तो जो आर्थिक विषय के लोग हैं, समाज जीवन के लोग हैं, अखबारों में भी देखेंगे, कल टीवी चैनलों की डिबेट में देखेंगे, बजट का बहुत स्वागत हुआ है, बहुत सराहना हुई है। और आपने भी देखा होगा किस बजट में देश को आधुनिकता की तरफ ले जाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम है। साथियों, जब हम आज के बजट की चर्चा करेंगे तो सापेक्ष भी होती है, कुछ तो पुरानी बातों की तुलना करेंगे तब पता चलता है। बीते 7 वर्षों में जो निर्णय लिए गए, जो नीतियां बनी, पहले की जिन नीतियों में गलतियों को सुधारा गया, उस वजह से आज भारत की अर्थव्यवस्था का निरंतर विस्तार हो रहा है। 7-8 साल पहले भारत की जीडीपी 1,10,000 करोड़ रुपए की थी। आज भारत की अर्थव्यवस्था 2,30,000 करोड़ के आसपास की है। वर्ष 2013-14 में भारत का एक्सपोर्ट 2,85,000 करोड़ रुपए होता था। आज भारत का एक्सपोर्ट 4,70,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचा है। 7 साल पहले करीब $275 बिलियन का विदेशी मुद्रा रिजर्व हमारे देश के पास था। आज देश का विदेशी मुद्रा रिजर्व $630 बिलियन को पार कर गया है। वर्ष 2013 में देश में $36 बिलियन का विदेशी निवेश FDI था। पिछले साल ये $80 बिलियन को पार कर चुका है।